नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज धूप बहुत तेज़ निकली है तो मैं बैठी हुई अंदर अपने रूम में, और कूलर अभी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि आप लोगों से जो बातें करनी थी तो कूलर के शोर में वो बातें सुनाई नहीं पड़ती हैं ठीक से, और स्पीकर मैंने लगाती नहीं हूँ बात करने के लिए। तो आज बहुत गर्मी हो रखी है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। और कल शाम को तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और कल शाम की मैं आपको बात बताऊं, कल मेरे घर में इडली बनने का प्रोग्राम था, इडली सांभर, जो कि मेरे बच्चों ने बाहर से सारा खाना और ऑनलाइन जंक फूड ऑर्डर कर करके खाया और मुझे भी खिलाया। तो कल जो मैंने इडली का बैटर बनाया था मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया था, और अब इस समय बज चुके हैं 1:45 हो रहे हैं, और अभी भी मेरे बच्चों ने सुबह का चाय, नाश्ता और पनीर वगैरह खाया है, पराठा खाया है। अब मैं पूछ रही हूँ इडली सांभर फिर से बनाऊँ तो बोल रही हैं कि नहीं मम्मा शाम को बनाते हैं, अभी ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरह से रखा हुआ है, और मैं लेकिन जा रही हूँ इडली सांभर बनाने के लिए। और आप लोगों को भी उसकी रेसिपी, तो उसमें कुछ सिंपल सी होती है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब मैं इडली और सांभर सर्व करूँगी अपने बच्चों को तो उसको मैं आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊंगी, और इडली बनाते हुए भी मैं आपको दिखलाऊंगी। और मेरे बच्चे लूडो खेल रहे हैं, बीच बीच से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। और एक चीज़ कि मैंने अपने छत पे जो अनार के पेड़ लगाए हैं उसमें इतने फल आए हैं, इतने ज़्यादा फल आए हैं, वो गमले में ही हैं, और मैंने उसको फिर गमले से ट्रांसफ़र करके एक बड़ी सी बकेट में लगा दिया है, तो उसमें काफ़ी अनार आए हैं। लेकिन जो मेरे घर में एक मंकी जी आते हैं, तो बंदर महाराज आते हैं, तो वो जो सुबह पानी मैंने बर्ड फीडर लगाए हैं चिड़ियों के लिए पॉट में पानी, वो उससे पानी भी पीते हैं, बर्ड फीडर से खाना भी खाते हैं, और जो अनार के पेड़ से वो 2-4 फल डेली तोड़ के खा लेते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अब उन्हें उनको मना भी नहीं कर सकती, मना करो तो वो दांत दिखाते हैं और डर लगता है कहीं वो मुझे काट ना ले। रेगुलर आने लगे हैं वो, और मंकी के पॉट से उससे पानी पी लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी रखी हुई चीज़ों से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो जो नुकसान करके जाते हैं वो मुझे तकलीफ़ होती है। तो आप लोग बताइए, सजेस्ट करिए कि कैसे मैं उनको मना करूं मंकी को कि पेड़ के फल मत तोड़ो। बच्चा हो तो समझा दूं, लेकिन ऐसे नहीं समझा सकती, तो कैसे बचाऊं अपने पेड़ के फलों को, अनार को। और मैं बड़ा वेट कर रही हूं कि कब अनार आएगा और कब मैं खाऊंगी, मेरे बच्चे कब खाएंगे। और मुझे मैंने उसका पेड़ लगाया है, क्या मुझे नाम नहीं आ रहा, आंवले का, आंवले का एक बीज मैंने लगाया है, अभी वो ग्रो नहीं किया है बिल्कुल भी, लेकिन ग्रो करेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत बहुत पसंद है, आप लोग भी अपने घरों में पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को घर में फल फ्रूट वेजिटेबल्स ताज़ा मिलेगी, और आप लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो मैं तो लगाती हूँ, अभी मैंने लौकी के बीज लगाए हैं, वो भी ग्रो नहीं किए हैं, इतनी धूप हो रही कि वो जल जाते हैं, तो बारिश में मैं फिर से लगाऊंगी। और आप लोग बताइए, मैं तो बकवास करती रहती हूँ, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं। कुछ भाई लोग मुझे कभी कभी कमेंट करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और जैसे मैं कोई भी अपना फूड आइटम डालती हूँ तो उसमें कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग अच्छे सजेशन देते हैं और कुछ लोग बैठ कर कमेंट भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ मैं, कि जो बैड कमेंट्स आते हैं उससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों के इस प्रोत्साहन से मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ और मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हमेशा ही स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए। लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो चलती हूँ मैं अपने किचन की तरफ और पूछती हूँ अपने बच्चों से वो क्या खाएंगे। मनी बुलाती हूँ, इधर आना, मनी को मैंने बुलाया, देखती हूँ क्या कहती हैं। कम बेटा, ओहो हाँ, ये आई मेरी मन्नू। नमस्ते, हेलो, राम राम बोलो। राम राम। क्या खाओगी? इडली। इडली आज खाओगी? हाँ। अच्छा, कल क्या क्या खाया था? रोल, ग्रेवी मोमोज, मैगी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और ले पॉपलेट, और इन्होंने कुछ नहीं खाया। पिट्टू का दर्द कैसा है? नहीं होता इसमें, नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें इनको बाहर की चीज़ें बंद कर रखी है। क्रैक्स मोमोज काफ़ी खाती है और इनको पेट में हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है,
तो इस वजह से मैंने बंद कर रखा है। और आप लोग भी बाहर कीजिए मत खाइए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय जो इतनी गर्मी वगैरह में बहुत अनहाइजीनिक तरीके से लोग बनाते हैं, हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मत खाइए, घर का सिंपल खाना खाइए। और बाय बाय, नमस्ते।